कुर्सी की पेटियां बांध लो, इंडिया की पहली हाइलक्स कैरावैन अब होने वाली है रिवील। सो सबसे पहला सवाल गाइस कि ये वाली शेप की गाड़ी क्यों? तो इसका जवाब देने के लिए मैं आपको मिलवाने वाला हूं डॉक्टर ढांडे से, जो कि इस गाड़ी के प्राउड ओनर हैं। और डॉक्टर ढांडे के बारे में आपको कुछ बता दूं, डॉक्टर ढांडे एक अविड कैंपर है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप कैंपिंग करते हैं या इस पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डॉक्टर ढांडे को जरूर जानते होंगे। भाई डॉक्टर ढांडे के पास दो गाड़ियां हैं, एक है इको स्पोर्ट और एक है एंडेवर, जिसमें पूरा पूरा सेटअप बना हुआ है, सारा कैंपिंग का सेल्फ सस्टेन सेटअप बना हुआ है। और अब उनको अपग्रेड करना था तो वो मेरे पास आए। जब वो मेरे पास आए, अनलाइक काफी सारे लोग जिनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होता, इनको अपनी हर रिक्वायरमेंट में एक एक पॉइंट के बारे में सब कुछ पता था। ही न्यू एवरीथिंग दैट ही वॉन्टेड। जब मेरी इनसे डिस्कशन हुआ, हमारे मोर और लेस थॉट प्रोसेस हर चीज में मैच हुए एक्सेप्ट वन, एक पॉइंट पे हमारी बिल्कुल भी सहमति नहीं आई। तो चलो अब मिलवाता हूँ ढांडे सर से, इनसे बात करते हैं। सो ये आ गया ढांडे सर। सो ढांडे सर, एक क्वेश्चन है आपसे। यस सर। आपने हाइलक्स क्यों खरीदी? सर हाइलक्स इज अ मॉडल दैट इज इन बिटवीन एसयूवी एंड लार्ज कैंपर वैन्स लाइक कैरावैन हो गए। तो नो, आपका रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब हाइलक्स से एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट क्या थी आपकी? मेरा 30% मेरा कैंपिंग रहेगा, 30% ऑफ रोडिंग रहेगा और 30% ऑन रोड ट्रैवलिंग रहेगा। अच्छा, तो ये तीनों चीजें मैच होने के लिए मैंने हाइलक्स खरीदी। ओके, और अब हम लोग कर रहे हैं टेस्टिंग। मैं संजय सर और ढांडे सर मिलके कर रहे हैं गाड़ी की टेस्टिंग। अभी हम लोग हैं अहमदाबाद के एक हाईवे पे और करेंटली मैं चला रहा हूँ ये हाइलक्स। अब गाइस इस गाड़ी को हम लोग हर तरीके से अब्यूज करके देखेंगे। अभी मैंने इसमें काफी कुछ कर लिया है, टिल्ट मार लिया है, ट्विस्ट मार लिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी लो है, ये ट्रक वाला परेशान कर रहा है अपने को। चलो गाइस ओवरटेक कर रहा हूँ इतनी बड़ी गाड़ी में, और ओवरटेक कर लिया है, स्पीड पकड़ ली है। गाइस इस गाड़ी का ग्राउल देखो कितना अमेजिंग। अच्छा ये गाड़ी गाइस, ये जो रोड है ये सीधी रोड नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ रोड है। रेविंग इट बैक टू 100, रेविंग इट बैक टू 100 गाइस। सो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है गाइस, बहुत अमेजिंग गाड़ी है। टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ लगभग पास ही है, एक दो टेस्ट और पेंडिंग है जैसे रेन टेस्ट, वो कल मॉर्निंग में होगा, वो कल मॉर्निंग में करेंगे, बट फिलहाल तो सब कुछ क्लियर ही लग रहा है। लुक एट दिस गाइस, डू नॉट ट्राई दिस विद योर व्हीकल। 100 कर रहा हूँ मैं, लुक एट दिस गाइस, 100-120 पे ये गाड़ी चला रहा हूँ एंड द व्हीकल इज एब्सोल्युटली स्टेबल। इस समय हम रोड टेस्ट पे निकले हैं, अब ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग पे आ गए हैं। अभी हमने इसको 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक लेके गए, एडवाइजेबल 80 है, लेकिन उस पर भी गाड़ी बहुत स्टेबल थी। और अब हम कर रहे हैं गाइस ऑफ रोडिंग, और इस समय हम एक कच्चे रास्ते पे हाईवे से गाड़ी को उतार लिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने। तो इधर भी गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक रखी हुई है और गाड़ी को अभी हमने 360 राउंड लगाया तो उस पर भी ठीक था। आगे वाले बंदे ज़्यादा मस्त हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, ये मेरे को थोड़ा पट्टों के ऊपर बैठे हो ना सर, आप कमानी के ऊपर, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा झूल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप आगे सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं तो नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डॉक्टर डांडे आगे बैठे हैं, उनको कैसे प्रॉब्लम होगा, मेरे को इन्होंने धक्का दे दिया है। बट गाइस लुक एट द कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, नहीं दैट इज अमेजिंग, परफेक्ट टर्न्स मारे हैं, सब कुछ गाड़ी चला रहे हैं। डॉक्टर डांडे साइड में बैठे हैं,
मजे ले रहे हैं। मेरे को पीछे फोन पकड़ा दिया है, एक हाथ से तो मैंने हैंडल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है और वापस आ गए हाईवे पे। अभी हाईवे पे मैं अभी को थोड़ा आराम हो गया और अब एक बार ब्रेकिंग चेक करेंगे गाइस। अब ब्रेक चेक करने वाले ध्रुव जी, आइयो राम, बहुत कस के ब्रेक मारी, मैं आगे घुस गया, ठीक है ब्रेक भी। एक बार फिर ब्रेक चेक कर रहे हैं, अरे ये राम बहुत कस के ब्रेक मारा है इन्होंने, परफेक्ट परफेक्ट। वो सही है, पीछे वाले को सर बेल्ट बांधना जरूरी है मेरे एंड पे ना। ओके रिपोर्ट, मेरे एंड पे बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ओके तो ध्रुव भाई ने गाड़ी को पास कर दिया है, अब इसको स्टेबिलिटी वेबिलिटी में सब कुछ पास हो गई है, गाड़ी पिकअप टर्निंग झोल वोल सब सही। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ अब आप आओ। अगर गाइस साइड व्यू की बात करूं तो आपको दिखाई देगा ऊपर एक ऑनिंग है, ये पूरी की पूरी ऑनिंग है जो इंटीग्रेटेड है, किस तरीके से खुलती है अभी दिखाऊंगा। ये एक आपको विंडो मिलती है, ये ओपनिंग विंडो है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एक एग्जॉस्ट फैन है, ये ऊपर दो हंटर लाइट्स है, इस तरीके की हंटर लाइट हर तरफ है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक दरवाज़ा है, ये कैंपिंग टेबल है और ये कैंपिंग किचन है। टायर्स इसमें लगे हुए हैं बी एफ गुडरिच के। इस फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट में कुछ भी चेंज नहीं है एक्सेप्ट ऊपर, ये जो आया था ये कंपनी का जैसा था वैसा का वैसा ही है। गाइस कॉकपिट को देखें तो बिल्कुल टोयोटा हाइलक्स का ये टॉप मॉडल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ट्रांसमिशन दिखाई देगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, सिस्टम लगा हुआ है, एक हमने कैमरा इंस्टॉल कर दिया है फॉर रिवर्स व्यूइंग। ये जो सीट्स हैं बिल्कुल ये वही सीट्स हैं जो कंपनी के साथ आती हैं। ये ड्राइवर साइड के पीछे वाला एरिया है, यहाँ पे आपको एक बैटरी बॉक्स दिखाई देगा, ऊपर आपको एक विंडो दिखाई देगी जो ओपनेबल विंडो है, इधर भी दो हंटर लाइट्स हैं और एक एग्जॉस्ट फैन है। ऊपर दो विंडो दिखाई दे रही है, एक इधर विंडो है और एक इधर विंडो है। बैक में आते हैं, बैक में एक स्टेपनी माउंटेड है, एक एयर कंडीशनर माउंटेड है, एक गीजर माउंटेड है और वो अपना प्रो कैंपर का स्टिकर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ पार्किंग लाइट्स हैं चार आगे और चार पीछे और यहाँ पे एक कैंपिंग बॉक्स इंस्टॉल्ड है, इसको अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। दो पाइप हैं, एक इनलेट का पाइप है, एक आउटलेट का पाइप है, इसको भी अभी थोड़ी देर में आपको यूज़ करके दिखाते हैं। एक सेक्शन कटआउट है, इसके अंदर से स्टेयर बाहर आती है, वो भी अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। गाइस आपको एक राउंड अप दिखाता हूँ इस गाड़ी का, आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के राउंड अप में। सो गाइस मैंने जैसे आपको बताया मेरे और डॉक्टर ढांडे के सारे सारे पॉइंट्स मैच कर रहे थे माइनस वन, और वो पॉइंट डॉक्टर ढांडे बताएंगे। जो गाड़ी की हाइट है ये हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा होती है, हाँ। और अगर कोलेप्सिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कम होगी, तो मेरा कहना था कि कोलेप्सिबल बनाओ। और आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि कोलेप्सिबल क्यों रखना है इसको? क्योंकि मुझे गाड़ी का एरोडायनामिक्स के लिए गाड़ी की हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मेरा सोचना था कि कम हाइट रखेंगे तो ऑन रोड मुझे अच्छा राइड मिलेगा। तो गाइज एक फैक्टर तो ये था, डॉक्टर ढांडे का एक परसेप्शन था कि जो लो स्ट्रक्चर होगा उसके एरोडायनामिक्स बेटर होंगे, बट ऐसा होता नहीं है गाइज, क्योंकि आप अगर देखो मेजर जो विंड का डिफ्लेक्शन हो जाता है वो हो जाता है इस वाले एरिया में, जो हवा घुसती है वो इस वाले एरिया में घुसती है और जितना ड्रैग लगना है वो वैसे भी लग ही जाता है। नंबर टू, डॉक्टर ढांडे का कहना था कि अगर पुलिस रोकती है कल को तो उस गाड़ी में ज़्यादा रोकेगी, ओ सॉरी इस गाड़ी में ज़्यादा रोकेगी, उस गाड़ी में कम रोकेगी, बट उसकी भी हाइट लगभग लगभग इसके इस एरिया तक आनी ही आनी थी। तो फाइनली मैंने डॉक्टर ढांडे को कन्विंस करा और बोला कि आपको हाई रूफ स्ट्रक्चर में जाना चाहिए जो कि है मॉडल X1। तो अभी आपका क्या परसेप्शन है सर आफ्टर द बिल्ड एंड एवरीथिंग? अभी आफ्टर बिल्ड मैंने ये गाड़ी चला के देखी, तो चलाने के बाद मुझे लगा कि खाली रूफ टॉप टेंट भी होता है गाड़ी में, तो जितना ड्रैग होता है उतना ही ड्रैग इसमें है, तो वाई नॉट फिक्स स्ट्रक्चर। सो आई एम वेल कन्विंस विद दिस कि नहीं यही स्ट्रक्चर परफेक्ट है। और इसमें आपको ओवरहेड भी मिल गया और इसमें बाकी के सारे और एडवांटेजेस है, जैसे कि ओवरहेड मिल गया, स्टोरेज ज़्यादा मिल गया, जो कोलैप्सिबल में स्टोरेज होगा ही नहीं, राइट। दूसरी चीज़ इसमें कोई ऑफ बीट कंडीशंस में आप जाएंगे, जैसे कि ज़्यादा आईसी एरिया है या ज़्यादा धूप है, तो वहाँ पे ये फिक्स स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा साथ देगा, रादर देन हैविंग सम क्लोथ्स अराउंड यू। हाँ, इट इज बेटर टू हैव प्रॉपर वॉल्स अराउंड यू इन स्लीपिंग और इंसुलेशन। और गाइज मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर है वो चलता है मोटर्स पे या गैस स्टड्स पे,
मोटर्स का मतलब है एक्चुएटर्स, और गैस टर्ड्स मतलब हो गए वो जो आपने शॉकर्स देखे होंगे। अब जितने मैकेनिकल पार्ट्स होंगे ना गाड़ी में गाइस, उतने ज़्यादा फेलियर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो चाहे आप सर्दियों में चले जाओ और आपकी बैटरीज डेड हो जाएं, क्योंकि ठंडे वेदर में आपको पता है बैटरीज कई बार गिव अप कर देती हैं, तो वहाँ पे अगर आपका स्ट्रक्चर खुला है तो वो खुला रह जाएगा, बंद है तो बंद रह जाएगा। दूसरा, बाहर से जो ठंड है वो अंदर एंटर करेगी, और भी बहुत सारे नुकसान हैं कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर के। और जब पंगे लेने हैं ना यार, तो पूरे पूरे पंगे लेने हैं, आधे पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि जिसने इस गाड़ी को रोकना है उसने उस गाड़ी को भी रोकना है, दोनों गाड़ियों को इक्वली रोकना है। चलो अंदर चल, लेके चलता हूँ आपको। वाओ डॉक्टर हांडे, अब बैठे हैं अपने कैंपिंग टेबल पे। ये आपका बेस्ट फेवरेट स्पॉट बन गया मेरे ख्याल से। ये टेबल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये वेट लेता है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ, एंड इट इज विदाउट लेग्स। राइट, सो गाइस ये इन स्ट्रैप्स पे, ये टेबल, ये कैंपिंग टेबल है, इन स्ट्रैप्स पे ये, इसको एक बार खोल के दिखाओगे आप कैसे खोलते हो? खड़ा रह के मैं अवनिंग भी मैनेज कर सकता हूँ अच्छी तरह से। एक बार आप खोल के, वेरी इजी टू क्लोज एंड ओपन, जस्ट यू हैव टू पुट अ रबर हियर। दैट्स इट गाइस, अब ये बंद हो गई है और ये काफी स्टडी है, जस्ट यू हैव टू टेक दिस आउट। परफेक्ट परफेक्ट। और इस वाले बॉक्स में सर आपने क्या दिया है, एक बार बताओ दिखाओगे? इस वाले बॉक्स में अभी तो मैंने खाली रखा है, लेकिन ये मेरा एक्सटर्नल किचन रहेगा, जो कि कैंपिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है, तो एक्सटर्नल किचन के लिए मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे डॉक्टर ढांडे अपना एक एक्सटर्नल कैंपिंग किचन बिल्ड करने वाले हैं, उसके लिए गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी छोड़ दी है, तो यहाँ से इनका जो एक्सटर्नल स्टोव है वो चलेगा। ये एक सिगरेट लाइटर है जिससे बाकी के सारे डिवाइसेस चार्ज हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये एक्सटर्नल किचन के लिए पूरा पूरा एक स्लॉट खाली छोड़ा गया है, और इसको सर अपने आप से, अपने आप इसको कस्टमाइज करने वाले हैं। और एक मज़े की बात गाइस, इस पूरी गाड़ी में सेम तरीके की चाबी है, एक बार बंद करके दिखाएंगे सर। सो ये सेम चाबी है, ये पूरी गाड़ी में हर जगह ऐसी की ऐसी लग जाती है। आपका सेकंड फेवरेट पार्ट क्या है सर इस गाड़ी का? सेकंड फेवरेट पार्ट मेरा ये है, रियर स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। अच्छा, सो दिस वाज यहाँ से इस तरफ से बोलते हैं सर, ध्रुव भाई, और दिस वाज मेड बाय ध्रुव भाई। नहीं गलत मत बोलो सर, ये 100% डिजाइन आइडिया सर का ही था, ये ढांडे सर का आइडिया था। दिस इज लाइक, इट्स अ 5 फीट लेंथ, एंड ऑल कैंपिंग चेयर्स, आउटडोर मटेरियल जो भी रहेगा अपना, लकड़ी रहेगा, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। कैंपिंग का जो भी बाहर निकालने वाला सामान है वो सब इसमें आ जाएगा। सो एनीथिंग गाइस, जो कैंपिंग से रिलेटेड गंदा करने वाला सामान है, फावड़ा, सब्बल, आपकी दराती, आपकी लकड़ियाँ, बारबेक्यू, जितना भी आपके टूल किट्स हो गया, आपका टोइंग स्ट्रैप हो गया, वो सब कुछ इस बॉक्स के अंदर इजीली आ जाता है। चलिए सर अब अंदर चलते हैं, एक बार आप अंदर का हमें व्यू दीजिए। सबसे पहले मैं लैडर खोलूंगा। हाँ जी, एक बार लैडर दिखाइए कैसी है। ये लैडर ध्रुव भाई ने बड़े मेहनत से बनाई है, और मैं बहुत इजीली यूज कर रहा हूँ। सो गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लैडर है। सो गाइज, इस गाड़ी में जो डोर इंस्टॉल हुआ है वो अगेन डॉक्टर ढांडे का, जैसे मैंने बताया, ही वॉज वेरी क्लियर उनको क्या चाहिए। ऐसा डोर आपने कभी भी किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा। इसमें बाहर आप देखोगे, आप बाहर से एंटर करने के लिए आपको सिर्फ चाबी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, विदाउट चाबी आप बाहर से एंटर नहीं कर सकते। सिर्फ ट्विस्ट किया ये खुल जाता है, और अंदर से एक्चुअली गाइज ये आपके घर का लैचिंग डोर है, जो डोर आप घर में यूज़ करते हो, और ये इस तरीके से कुछ पूरा का पूरा लॉक हो जाता है। साफ़ सुथरी गाड़ी। सो गाइज, ये है खजाना। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। तो सोने के लिए इस गाड़ी में ये एक प्रॉपर बेड है, और इस बेड पे सर एक बार आप दिखाएंगे कि कितना, बाय द वे गाइस ये चेक करो, डॉक्टर ढांडे की हाइट के अकॉर्डिंगली ये पूरी की पूरी गाड़ी बिल्ड हुई है। जो हाइट है उससे ऊपर आपको लगभग लगभग 2 इंच का स्पेस है, प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप इसमें, और आप और आपकी पूरी फैमिली आई थिंक सब सिमिलर हाइट है आप लोगों की ना। माय वाइफ इज स्मॉलर देन मी, तो अब एवरीबॉडी कैन वॉक इनसाइड प्रॉपर्ली। नाइस, तो मैं आप यहां पे सो के दिखाता हूं तुमको। हां जी, इट्स वेरी इजी टू कम अप एंड टू लाई डाउन। This is my pillow. This one is a large blanket. I can use it. Nice, nice. So यहाँ पे आराम से दो लोग comfortably आ सकते हैं, और उस तरफ मुझे दिखाई दे रहा है काफी सारा आप अपना सामान रख सकते हो, स्लीपिंग बैग रख सकते हो। स्लीपिंग बैग ये है, ये नीचे का मैट पड़ा है। राइट, ये आगे वाला एरिया है गाइज, कैंटिलीवर के आगे वाला एरिया है, जो की सोने के लिए नहीं है, मगर उसमें आप अपने तकिए, कंबल, अपना सारा सामान उसमें, ये पूरा डबल वाला कंबल इसमें बैठ जाते हैं। वाओ, तो ये एक तरीके की स्टोरेज ही है, और आई थिंक रात को आपको मून गेजिंग के लिए दो विंडोज, ये विंडो है, मून रूफ, मून ग्लास बोल सकते हैं। हाँ, नाइस। इस तरफ गाइस दो पंखे दिखाई देंगे, एक पंखा ये है, एक पंखा ये है, एक बार सर ऑन करके दिखाना। सो एक ये पंखा ऑन हो गया गाइस, ये डीसी फैन है,
सो गाइस ये एयर कंडीशनर का जगह यहाँ पे है, एसी का रिमोट यहाँ माउंटेड है। तो आप एसी अगर देखेंगे तो एसी यहाँ पीछे लगा हुआ है, यहाँ से काफी चिल्ड कर देता है ये। कल रात को हम लोग इस गाड़ी में थे तो इसने काफी चिल्ड कर दिया था, और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, इस गाड़ी में एक घंटा अगर आपने एसी चला लिया तो आपको रात भर एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर ये वाला जो बेड है इसके बारे में बताएंगे, ये कैसे बनता है, क्या है ये? अभी तो आप देख रहे हैं ये 6 फीट का बेड है, पूरा 6x2 का, 6x2 का बेड है। यहाँ पे एक बंदा आराम से सो सकता है, जैसे कि मैं सो के दिखा रहा हूँ। राइट, आराम से। राइट, सो इज इट सेफ टू अज्यूम सर कि 3 लोग इस गाड़ी में बहुत ही कंफर्टेबली आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, एंड इसका ये दूसरी खाबिया ये है कि ये जो बीच वाला सेक्शन है ये मैंने निकाला और इसको ही बैकरेस्ट बना दिया। ठीक है, इसका ही बैकरेस्ट हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप आराम से, ये जो है ये 2 सोफे बन जाते हैं। राइट राइट, एंड दिस इज माय स्मॉल टेबल फॉर सम हैविंग स्नैक्स और इवन लंच डिनर। लैपटॉप भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिए तो मैं यहाँ पे मोबाइल चार्ज भी कर सकता हूँ। राइट राइट, यहाँ चार्जिंग सॉकेट मिले हैं, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स मिले हैं जो की आप इजिली यूज कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। इस तरफ पीछे गाइस एक कुशन, एक इस तरीके का और आप देखेंगे बैकरेस्ट दिया गया है। इसको अगर नीचे कर दें तो यहाँ पे विंडोज हैं कुछ इस तरीके की। विंडोज को अगर हम ओपन करें इस तरीके से, विंडोज ओपन हो जाती है और ये पूरी की पूरी ओपनेबल विंडो है। तो इस तरफ की विंडो और इस तरफ की विंडो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा एयर सर्कुलेशन अच्छा सा मिल जाता है। ये ओपनिंग विंडोज है, इनको आप बाहर पुश कर दीजिए और ये इस तरीके से पूरी ये विंडो बहुत मुझे पसंद है क्योंकि ये पूरी राइट एंगल हो जाती है विंडो। सो गाइस ये जो विंडो है, इस विंडो का फायदा ये है कि आप जब कैंपिंग कर रहे हैं तो आपको एसी कई बार नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर बिल्कुल गाड़ी क्लोज्ड होती तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती, इसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन बनेगा और आपका काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा कैंपिंग का। अब इसके बाद सर अगले पार्ट पे चलते हैं गाड़ी के, जो कि है हमारे ओवरहेड स्टोरेजेस। एक स्टोरेज आपके पीछे है, ये एक स्टोरेज है, दिस इज वेरी गुड वन। यहाँ पे आपके कपड़े वगैरह सब कुछ आ जाएंगे और इसको बंद करना इजी है। ये क्लिक लॉक लगा है, इसको बस दबा, ये दबाया तो लॉक हो गया, वापस दबाएंगे तो अनलॉक हो गया, और यही हैंडल का काम करता है। यही हैंडल का काम करता है। बट इस तरफ जो स्टोरेज है ये आपकी किचन की स्टोरेज है मोस्टली, और उस तरफ आप शायद कपड़े वगैरह रखने वाले हैं। यहाँ पर मैं रखूंगा मेरे, ये लॉक सेम है जो बाहर से, सेम चाबी का, सेम चाबी पूरी गाड़ी में लग रही है, इधर भी लग रही है, और इसको मैं यहाँ से खोल सकता हूँ ऐसे, और ये इतना स्टोरेज है इसमें। एक बार ये वाला भी ओपन करके देखिए, ये सब ऑल फ्रॉम हियर टू देयर होल इज स्टोरेज, इतना वाला स्टोरेज है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टू इंटरकनेक्टेड स्टोरेज है ना सर, कनेक्टेड है। सो काफी सारा मैसिव स्टोरेज इसमें खोल के आ गया है। इसके अलावा सर किचन की तरफ आते हैं तो किचन की तरफ मैं सबसे पहले ही फ्लैप नीचे करता हूँ तो मेरा किचन बढ़ जाता है। सो ये आपका एक एडवांटेज है कि आपका जो किचन का साइज हमने छोटा लिया है उसको ये कॉम्पनसेट करता है। इसको एक मिनट लिए हम बाहर कर देते हैं पर्दों को। हाँ चलिए, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, सो मुझे और एक फ्लैप है यहाँ पे, ये फ्लैप में जैसे ओपन करता हूँ ये पूरा 5 फीट का किचन हो जाता है आपका, 5 फीट का, 5x1.5 का, ये पूरा का पूरा आपको किचन। टू बर्नर ऑफ गैसेस, टू बर्नर गैसेस, और सर इसके साथ भी आपकी स्टोरेज है, इसमें ये बड़ा स्टोरेज है। राइट राइट, और इसके नीचे का और भी बड़ा स्टोरेज। नाइस, तो इसमें आपके सारे बर्तन वगैरह आ जाएंगे। या परफेक्ट परफेक्ट। इसके नीचे गाइस एक डीसी फ्रिज माउंटेड है, ये आपने मेरी और गाड़ियों में भी देखा होगा, तो ये सेम फ्रिज है जो लगभग सारी गाड़ियों में, ये स्लाइड आउट हो जाता है। ओके, और सर ने यहाँ पे माउंट करवाए हैं ये जो सीट बेल्ट वाले स्ट्रैप्स होते हैं, ये सीट बेल्ट वाले स्ट्रैप्स हैं, सीट बेल्ट जैसे रहते हैं वैसे ये तो चलती गाड़ी में बेसिकली आगे पीछे नहीं आएगा। ये फ्रिज है गाइस, ये फ्रिज है, इसकी 30 लीटर कैपेसिटी है, अभी फिलहाल ये कनेक्टेड नहीं है, पर ये डीसी फ्रिज है। डीसी फ्रिज होने का एडवांटेज ये है गाइस, ये कम पावर में काफी अच्छा आउटपुट दे देता है। कल रात में मैंने ट्रायल करके फ्रिज चालू किया था, पूरा आइस जम गए थे उसमें। अच्छा, पूरा आइस जम गए। ठीक है, तो सर बता रहे हैं कि कल रात को उन्होंने आइस जमाई है फ्रिज में, आइस जम गई है इजीली। अब ये देखिए गाइस, अगर आपको कुकिंग करना है तो आपको कितना बड़ा एक मैसिव सा स्पेस मिलता है कुकिंग करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी चॉपिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं। कुकिंग के बाद मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा भी सकते हो। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक यहाँ पे अगर एक स्टूल लग जाए छोटा सा तो एक
तीसरा बंदा भी बैठ के आराम से मतलब एक वहां बैठेगा, एक आप यहाँ बैठेंगे और एक बंदा यहाँ बैठ के इजिली इसको वो कर सकता है। इस गाड़ी में गाइस एक जेनसेट भी है पावर के लिए, जो कि अभी मिसिंग है। सर वो उसको अपने साथ ले गए थे, वो लेके आए नहीं है। चलिए गाइस अब सर अपने को अपना गाड़ी का फ्रंट वाला, अब देखो कहने के लिए तो है ये होम ऑन व्हील, बट होम का साइज काफी छोटा होता है, तो जितना स्पेस है उसी में सब कुछ मैनेज करना है। अब इस तरफ चलते हैं, इस तरफ सर हमें दिखाएंगे अपना वॉश बेसन, एयर कंडीशनर और जो जो चीजें इधर माउंटेड है। ओवर टू यू सर। This is the door which we entered now. हाँ जी। This is the extension of kitchen. Right. But if you see from the back, here is a large one. This was a AC 0.8 ton. Right. It is a same AC that we install in our home. तो हाँ। So I like that thing कि ये मेरे घर में जैसा AC मिलता है वैसे ही same AC मुझे। So इसका repair maintenance बिल्कुल similar ही है जैसे घर का होता है। Cost is also like a home AC. This is the one basin. यहाँ पे सर ने एक अपना वॉश बेसन लिया है, ये कॉमन वॉश बेसन है फॉर अपना वॉशरूम एज वेल एज अवर किचन, तो ये दोनों डुअल पर्पस सॉल्व करता है। और इसके ऊपर एक छोटा सा ये सर अपने साथ लेके आए थे, ये शैम्पू और हैंड वॉश डिस्पेंसर है। इस तरफ आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल स्विचेस आ जाते हैं सर, ये स्विचेस गाड़ी के अंदर के है जो अंदर मुझे लाइट देगी। राइट। और ये स्विचेस है, ये जो है ये नीचे एक मोटर लगाई है, ये पंप का है बाहर से पानी खींचने के लिए। राइट चालू होती है, आवाज आ रही होंगी। राइट। ओके, देन दीज आर द स्विचेस फॉर एक्सटर्नल लाइट्स, जो बाहर की आपके हंटर लाइट्स इंस्टॉल है, बाहर के हंटर लाइट्स है उसके लिए स्विचेस। स्विचेस क्वालिटी इज वेरी गुड, आई लाइक दिस क्वालिटी ऑफ स्विचेस, वेरी नाइस। एंड हियर इज अ वन वोल्ट मीटर दैट इज गोइंग टू शो मी द वोल्टेज इन माई कार एट एनी टाइम। This whole system is 24 volt system. This is not 12 volt का नहीं है, ये 24 volt का system है. So now it is showing 23.8. So guys, एक pro tip आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप अपनी caravan build करें और आपके equipments हैं आपके पास, जैसे electric kettle हो गया, mixer, juicer, grinder हो गया, या कोई भी equipment जो 500 watt के ऊपर का है, उसको रन करने के लिए आपको 24 वोल्ट सिस्टम इंस्टॉल करना है। क्यों करना है उसके, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो उसकी लिंक नीचे छोड़ दूंगा, बट 24 वोल्ट सिस्टम इज मोर सस्टेनेबल, इज चीपर एंड इज प्रैक्टिकली बेटर देन द 12 वोल्ट सिस्टम। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट आगे चलते हैं। इसके नीचे सर क्या है, इसके नीचे एक स्टोरेज बनाया है। सो यहाँ पे आपका एक सिलेंडर इंस्टॉल हो गया, सिलेंडर एंड अदर स्टोरेज ऑफ, वी हैव वॉशरूम आल्सो इनसाइड। सो द वॉशरूम का जो भी कुछ एक्सेसरीज रहेगा, जैसे आपका हार्पिक हो गया, ब्रश हो गया, झाड़ू, टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ इस जगह पे आ जाएगा और नीट एंड क्लीन तरीके से स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एक वाटर मीटर लगा हुआ है गाइस, जो बताता है पानी कितना है, पानी के लेवल बताने के लिए, और ये काफी अच्छे से मर्ज हो जाता है। ये समझ में नहीं आता यहाँ पे कुछ है। राइट राइट। एक बार सर पानी ऑन करके दिखाओ कि कैसे होता है, उसके लिए क्या करते हो आप? कुछ नहीं, बस ये चालू करना है, बस पंप ऑन करना है, बस पंप चालू ही रहता है। जैसे आप टैप ऑन करेंगे right. तो ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू हो जाएगा। टैप ऑन हुआ, पानी आ गया। बंद करेंगे तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर से करना सर, एक बार ऑन हो गया और अब ऑफ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो पानी इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलिए सर वॉशरूम की तरफ चलते हैं, एक बार आप वॉशरूम दिखाइए किस तरीके का है। सो गाइस ये है ठांडे सर की गाड़ी का वॉशरूम। पहले मैं आपको पूरा वॉशरूम दिखा दूं। यहाँ पे एक हेल्थ फॉसेट, यहाँ पे एक शावर फॉसेट लगा हुआ है, एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, दो शीशे लगे हुए हैं, वहां पे टॉयलेटरी होल्डर्स इनबिल्ट है। ये देखिए, ये पूरा कटआउट है, यहाँ पे आपकी टॉयलेटरीज आ जाएंगी। ये एक एयरक्राफ्ट ग्रेड WC लगा है, जिसमें एक वैक्यूम पंप और क्रशर मोटर है, जिसका फ्लश का बटन ये वाला है। इधर एक हेल्थ फॉसेट लगा हुआ है और ब्लैक कलर का नीचे एक फाइबर की ट्रे है, जिसके ऊपर एक ग्रे कलर की मैट है, ताकि आपकी गाड़ी गंदी ना हो। सर एक बार आप अंदर जाके दिखाओगे कि ये जो यूजेज है कैसे होगा इसका? सो फॉर माय हाइट एंड माय बिल्ड पर्सन दिस इज वेरी नाइस, दिस इज मेड फॉर मी बाय ध्रुव भाई, थैंक यू फॉर। ये जो है सिस्टम, ये इट्स वेरी इजी एंड वेरी यूजेबल। कल रात मैंने इस गाड़ी में ही सोया था, कल सवेरे मैंने इस गाड़ी में ही नहाया धोया, सब कुछ इस गाड़ी में ही किया, सब कंफर्टेबल था एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज फाइन एंड नीटली डन। राइट, नो इश्यूज एट ऑल। एंड गाइस लुक एट द इंटीरियर्स, हां दिस है, वी हैव गिवन इट अ बेज सॉर्ट ऑफ अ फील, इसको इटालियन बेज बोलते हैं, और ये छोटी जगह को बड़ा सा फील देता है। ओवरऑल लुक एट द फिनिशिंग, फिनिशिंग में आपको कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा, इट इज वेरी ब्यूटीफुली डन, वेरी ब्यूटीफुली डन। एक बार सर आप WC जो है आपका, उसको फ्लश करके दिखाएंगे वो किस तरीके से चलता है, काफी लोग पूछते हैं कि ये कैसे होता है। ये तो बहुत ही अच्छा चीज बन गया है, तो इसने सारा लोड सक कर, अभी तक कितनी देर में सारा लोड सक कर लेता है, और उसके बाद इसको क्रश करके ब्लैक वाटर टैंक में डाल देता है।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और सर ये जो आपका हेल्थ फॉसेट है इसको एक बार आप यूज करके दिखाएंगे कैसा है? दिस इज आल्सो वेरी नाइस, दिस इज आल्सो ऑटो स्टार्ट। तो जैसे ही आप ये यूज करेंगे तो ये चलेगा और एकदम से उसके बाद मोटर बंद हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइज आपको कैसा लगा ये वॉशरूम मुझे जरूर कमेंट करके बताना। काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि पूरा का पूरा एक फाइबर का वॉशरूम उनको मिल जाए। गाइज मैं आपको फाइबर के वॉशरूम का या ABS के वॉशरूम का एक नुकसान बता देता हूँ। अगर कल को कुछ भी काम होना है मेंटेनेंस इज ईजी। दूसरा आपकी बार हमने क्या किया है, इसके जितने भी आप पाइपलाइंस देखोगे वो पीछे से ली है और उनका एक बॉक्स बनाया है, वो दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये एक बॉक्स बना है, ये छोटा सा बॉक्स बना है, सारी पाइपलाइन इसके अंदर कंसील्ड है। कल को इस गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही कम खर्चे में आपका पूरा का पूरा वॉशरूम रिपेयर किया जा सकता है, अनलाइक फाइबर का वॉशरूम जिसको पूरा पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा मैं फाइबर पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ इस तरीके की गाड़ी में। क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ? क्योंकि फाइबर एक काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज लुक देता है। एक दिन अच्छा लगेगा, दो दिन अच्छा लगेगा, तीन दिन अच्छा लगेगा, फिर आपको घर की फीलिंग चाहिए होती है, और घर की फीलिंग कुछ इसी तरीके के सेटअप में आती है। लुक एट द इंटीरियर्स गाइज, लुक एट द रूफ इंटीरियर्स, लाइट्स, ये सब वही है जो हमारे घर में होता है। तो अपनी कोशिश रहती है मेजॉरिटी चीज़ें वही यूज़ करी जाए जो घर में होगी। अच्छा एक सर ये स्पेस बच गया था, इस स्पेस को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो? यहाँ पे मैं एक स्टेनलेस स्टील से एक रैक बनाने वाला हूँ। ओके। जो डेली यूज वाले चाय कॉफी चीनी या कुछ मसाले वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, तो मुझे कुछ निकालना नहीं कुछ रखना नहीं, इजी हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा यूज। और यहाँ पे सर एक आपके पास एग्जॉस्ट फैन है, इस एग्जॉस्ट फैन का काम है कि ये आपका जब कुकिंग कर रहे हैं तो सारा का सारा धुआं को बाहर भेज दे। और सिमिलरली एक एग्जॉस्ट फैन हमने देखा था हमारे वॉशरूम के अंदर भी है जो कि ऑपरेट होता है यहाँ बाहर से, जैसे आपने बटन दबाया वो आपका एग्जॉस्ट फैन ऑन हो गया है। अच्छा गाइज थिंग्स टू बी नोटेड, इस गाड़ी में केवल दो ही चीज़ ऐसी हैं जो इम्पोर्टेड हैं। नंबर वन वो है फ्रिज, क्योंकि वो इंडिया में बनता ही नहीं है, डीसी फ्रिज इंडिया में नहीं बनता। एंड नंबर टू हमारा कमोड जिसको WC बोलते हैं। एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, हर कुछ सब कुछ इस गाड़ी में मेड इन इंडिया है, सब कुछ मेड इन इंडिया है, और आपकी लोकल मार्केट में इसके हर पार्ट स्पेयर्स अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में जो कि अगर खराब हो जाए तो डांडे सर अपना पुणे जाके इसको ना रिप्लेस करा सके। गाइज लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रो कैंपर बिल्ड्स। तो जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया तो जितनी भी मार्केट में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, जैसे आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख के इस कंपनी को बिल्ड किया गया। तो आई वाज वेरी क्लियर कि लेट्स से आपने गाड़ी अपनी दिल्ली में बिल्ड करवाई है और आप अभी ट्रैवल कर रहे हो गोवा में और आपका कोई कंपोनेंट फेलियर होता है या आप कहीं पे फंस जाते हो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उस केस में आपको गाड़ी हमारे पास ना लानी पड़े। अगर आप लाना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम, आपकी गाड़ी 100% वारंटी के साथ आती है इंक्लूडिंग ऑल द एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट जो हम इंस्टॉल करते हैं। बट लेट्स से आप ऐसी जगह पे हो जहां से आप गाड़ी नहीं ला सकते हो, तो आपकी गाड़ी का हर इक्विपमेंट हर कॉम्पोनेंट सर्विसेबल है एट अ लोकल वेंडर, चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक्स का काम हो, चाहे वो आपका एयर कंडीशनर हो, चाहे फर्नीचर हो, हर चीज रिपेयरेबल है यूजिंग लोकल हेल्प। गाइज ये है सस्टेनेबिलिटी, विच मीन्स कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी जर्नी को कोई नहीं रोक सकता। जब हम गाड़ी को डिलीवर करते हैं उससे पहले एक पूरा का पूरा आपको हैंड ओवर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डायग्राम्स, प्लम्बिंग के डायग्राम्स, गाड़ी के मेजरमेंट्स, गाड़ी में मटेरियल क्या यूज हुआ है, किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे इस गाड़ी को मेंटेन करना है, वो सब कुछ इंक्लूडिंग द सर्विस शेड्यूल हम लोग आपको एडवांस में देते हैं ताकि आपको अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता हो और कल को अगर कहीं आप फंस जाते हो तो आप अपने आप को सेल्फ रेस्क्यू कर सको। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे, मी एंड माय टीम आर जस्ट अ कॉल अवे। सो जब तक गाइज आपके पास गाड़ी की वारंटी है तब तक आपकी गाड़ी में फ्री ऑफ चार्ज सारा सर्विस एंड मेंटेनेंस होता है। इन सोफों को अगर आप देखेंगे तो इनके नीचे यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ से पूरे पूरे ढक्कन खुल जाते हैं। इन दोनों की अगर मैं दिखाऊं आपको, ये वाला हमारा बिजली का बॉक्स है, इसके अंदर सारा, बाहर से दिखाते हैं सर इसको, बाहर चलते हैं बाहर से दिखाते हैं, बट मैं दिखाना चाहता था कि ये बॉक्सेस यहाँ से अंदर से भी एक्सेस हो सकते हैं और ये बाहर से भी एक्सेस हो सकते हैं। अब चलते हैं सर बाहर एक बार। गाइज अब चलते हैं इस गाड़ी की बिजली का सेटअप देखते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक बॉक्स, अब आपको दिखाया जाएगा किस लेवल का काम, किस तरीके का सोफिस्टिकेशन इस गाड़ी में है। सो बाय द वे गाइज इस गाड़ी में लगा है 24 वोल्ट का सोलर पैनल जो कि डिलीवर करता है 580 वॉट की पावर 24 वोल्ट पे। वो ऊपर छत पे माउंटेड है, सिंगल पैनल लगा है, काफ़ी मैसिव है और वो बैटरीज को 4 घंटों में पूरा पूरा चार्ज कर देता है। अब आपको सर दिखाएंगे इस गाड़ी में बैटरीज, यहाँ पे दो बैटरीज है 100 AH की ईच, 100 AH की दो बैटरीज एक साइड की लगी हुई है, 200 AH का बैटरी बैकअप है, इन्वर्टर लगा है। सर गाइस ये देखो कैसे क्लैम्प्ड है, माउंटेड है, अब ये कहीं नहीं जाएगी, ये बहुत अच्छा क्लैम्प बना हुआ है और इसमें माउंट हुआ हुआ है। उसके बाद एक ये पावर केबल है गाइस, ये पावर केबल है जिससे आप
एक्सटर्नल ग्रिड से पावर ले सकते हैं, सप्लाई मैं इससे ले सकता हूं। राइट राइट राइट। सर के पास सोलर पैनल है, सर के पास ये बैटरीज हैं, ये एक्सटर्नल पावर लेने के लिए ग्रिड सप्लाई है और एक जेनसेट है, तो पावर की तो आपको कभी दिक्कत आने नहीं वाली। यहाँ पे प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ये स्विचेस दिए गए हैं। राइट, ये गाइस एमसीबी बॉक्स है, ये सारी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। हर वायर अच्छे से क्लैम्प्ड है, हर वायर नीटली स्ट्रैप्ड है। इसके अलावा ये क्या बढ़िया, ये एक मेन स्विच दिया है, ये मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ जब भी मुझे 8 दिन 7 दिन गाड़ी नहीं चलानी, तो मैं ये बंद कर दूंगा तो मेरी बैटरी और बाकी का कनेक्शन टोटल ऑफ, सब कुछ कम्प्लीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। राइट, यहाँ पे गाइस एक लाइट भी लगी है, अगर आप देखें ये तो सेंसर पे, जैसे डोर में बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगी, ये देखिए सेंसर बेस्ड एक लाइट लगी है, डोर ओपन करूंगा तो ये लाइट लग जाएगी। राइट, ये देखिए गाइस अभी ये लाइट बंद हुई और ये ओपन हो गई, तो यहाँ पे एक इसका छोटा सा सेंसर लगा है, इस सेंसर के बेस्ड ये लाइट है ताकि अंधेरे में कभी आपको बैटरी बॉक्स को एक्सेस करना पड़े तो एक्स्ट्रा लाइट ना लेके जानी पड़े। ये हमारा 24 वोल्ट का एक इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है जिसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट है और काफी नीटली सब कुछ हुआ है। आपको ये हटा के दिखाता हूँ गाइस, ये बंजी स्ट्रैप है, ये बंजी कॉर्ड्स है। अब देखिए गाइस, अब आपको पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रिकल सेटअप दिखाई देगा, कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे कोई भसड़ नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा है और इसको कोई भी अपने आप रिपेयर कर सकता है। तो कल को अगर बैटरीज रिप्लेस करनी है तो बहुत ही इजीली ये दो पेज खुलेंगे और ये बैटरीज बाहर आ जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ पे एक जाली लगी है, ये वेंटिलेशन के लिए है ताकि कभी अगर अंदर गर्मी भी हो तो इसको प्रॉपर वेंटिलेशन का स्पेस मिले। वैसे तो बहुत स्पेस है अंदर, बट स्टिल वेंटिलेशन के लिए एक ये जाली दी गई है। चलिए सर, अब आप अपना गीजर दिखाइए, गीजर आपका कैसा है, कहाँ है ये? यहाँ पे गीजर माउंटेड है एंड इट इज़ इजी टू ओपन, तो बस इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके, सो गाइज इस तरीके से आपका गीजर खुल जाता है ढक्कन, और इस पर सारी सेटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, जब भी बस यूज़ करना है तो इस ढक्कन को खोल देना है और ढक्कन को खोलने के बाद इस गैस गीजर को आप यूज़ कर सकते हैं। स्विच ऑन करना है, गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सर सब कुछ एक ही सिलेंडर से चल रहा है ना? एक ही गैस सिलेंडर 5 kg वाला अंदर जो बेसिन के नीचे है उससे। राइट, ये गीजर भी चलता है, अंदर का गैस भी चलता है और मेरा एक्सटर्नल किचन भी उस पे ही है। 100% नाइस। इस तरीके का एक लॉक दिया गया है राइट हैंड साइड में एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड में। सर ये आपने लॉक लगवाया था, इसका क्या करने वाले हो आप? इसको कभी जरूरत पड़े तो पीछे से मुझे टार्प लगानी है तो ऑनिंग बेसिकली, हाँ एक्स्ट्रा ऑनिंग तो है गाड़ी में, इनबिल्ट ऑनिंग है। राइट, लेकिन मुझे अगर एक्स्ट्रा ऑनिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे टार्प लगा के ऑनिंग लगा सकता हूँ, जैसे आप अपने अंडरवेयर में करते हैं। करेक्ट। तो गाइस पीछे आपको दिखाई देगा दो हंटर लाइट्स हैं, जब ये गाड़ी रात को सारी लाइट्स ऑन करके चलती है, चलती नहीं है बेसिकली, खड़ी रहती है, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना देती है, इस पूरे सर्कल में लाइट होती है और अंधेरा कहीं भी नहीं रहता। तो अगर आप ढांडे सर के साथ कैंपिंग कर रहे हो तो आपके पास लाइट ना भी हो तो भी आपका चल जाएगा काम, है ना? सो अब ढांडे सर अपने को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इसकी ऑनिंग किस तरीके से ओपन होती है। अब ये देखो गाइस सर क्या करने वाले हैं, हैंडल दिया गया है मुझे, फुट रेस्ट से मैं हैंडल पकड़ के मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये टेबल पे खड़ा रह रहा हूँ। देखो गाइस ये टेबल पे खड़े हैं, टेबल पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये खड़े हैं। सर बचाना सर, आप ढांडे सर ने अपनी ऑनिंग खोल दी है। रस्सी मैंने छोड़ दी है और इसको टाइम लगा मुश्किल से 2.5 मिनट। एक्चुअली पेग्स लगा ही नहीं है, पहले मैं पेग्स लगाता हूँ, तरीका वही है, तरीका वही है, बट एनी वे अभी वैसे विदाउट पेग्स भी ये खड़ा है, बट टोटल ओवरऑल 2.5 मिनट लगे हैं। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज ये हंटर लाइट जो है ऑनिंग के नीचे है। हाँ, तो जब आप कुकिंग कर रहे हो, लाइट ऑन करूंगा तो करके दिखाओ ना सर लाइट्स ऑन एक बार, और लाइट की जरूरत नहीं। वैसे तो मेरे को पता है कि दिन के उजाले में लाइट दिखाई नहीं देगी, बट स्टिल एक बार करके देखते हैं उधर वाले। हाँ देखो गाइस ये लाइट्स हैं, अगर आप इस गाड़ी के साथ कैंपिंग कर रहे हो तो आपको अपनी लाइट लाने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसा ओवरऑल, हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? मतलब इट वाज एक्सलेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने इसके पहले भी कुछ DIY करके कुछ गाड़ियां बनाई थी, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि DIY होता है। जब मैंने पहली गाड़ी बनाई थी कुछ साल पहले, युवालिया बनाई थी, उसके बाद में कुछ सफारी में काम किया था, उसके बाद एंडेवर में अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मैंने खुद बनाई थी। लेकिन ये जो गाड़ी ध्रुव भाई ने बनाई है कुछ, इट इज़ एट एक्सलेंट लेवल, इट इज़ एट सम डिफरेंट लेवल। आई विल टेल यू कि हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, मैं बना लूँगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है प्रैक्टिकल दुनिया में।
इसको और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, और ये ऑप्शन देने के लिए अपने पास कैंपिंग का सबसे बड़ा गुरु यानी ध्रुव भाई है, ये सब इंडिया को मालूम है। सो रिमेंबर दैट, दैट इज वेरी जेनरस ऑफ यू। सो गाइस अभी चलते हैं, इसका पानी वाला सिस्टम चेक करते हैं सर। का इसको नीचे से टंकी लगा हुआ है, वो भी फाइबर का टैंक है, नॉट अ मेटल टैंक। सो ह्यूज 150 लीटर फाइबर टैंक, दिस इज फाइबर वन। गाइस ये 125 से 150 लीटर की कैपेसिटी है। दिस वन इज अ ब्लैक टैंक दैट इज अराउंड 45 लीटर्स, इट इज आल्सो मेड फ्रॉम फाइबर। दोनों टैंक सर के फाइबर से बनके तैयार हुए हैं। और सबसे बढ़िया चीज, इन्होंने मुझे ये दो पॉइंट दिए यहाँ पे, एक पानी भरने के लिए और एक पानी निकालने के लिए। तो जब आपको पानी भरना होता है तो एक पाइप इसमें डाला और मोटर ऑन कर दी और आपका पानी भरना शुरू हो जाएगा। निकालने के लिए भी पाइप है, तो एक बार निकाल के दिखाओगे सर पाइप से पानी कैसे निकलता है? पंप ऑन करना। तो पंप सर ने वहाँ से ऑन कर दिया। अब इसके पीछे एक हल्का सा सिस्टम दिया है इसको केवल ऑन करने का, और गाइज आप देखना कि कितना दूर तक ये पानी फेंकेगा। चेक दिस आउट गाइज, चेक दिस आउट। अब इसका फ्लो आप रेगुलेट भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये बिल्कुल पिचकारी मारता है अच्छे से, ये देखिए गाइज। कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पे टॉप चालू करना है, बंद करनी है। थोड़ा सा थोड़ा हल्के में करके देखना सर, अभी वापस मैं चालू करूँगा। थोड़ा सा खोलना बस, कम कम खोलो, कम 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 थोड़ा कम बस। हाँ, तो अगर आपको हाथ धुलने हैं, आपको अपना जैसे देखिए गाइस मैं हाथ धुल रहा हूँ इस समय, डन। और मैंने ये इसको बंद कर दिया, तो ये डुअल पर्पज सॉल्व करता है गाइस। इसमें आपका आपको एक्स्ट्रा एक वो होली के टाइम पे भी ये काम आएगा गुब्बारे भरने के लिए। और गाइस इस तरीके से देखिए, ये अभी ब्लैक टैंक को खोल दिया है, इसको एम्प्टी करना बहुत इजी है। अच्छा बाय द वे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर ही निकलेगा। आई एम वेरी सरप्राइज टू लुक एट इंजीनियरिंग की किस लेवल पे लोगों ने इंजीनियरिंग करी है। ये ब्लैक वाटर टैंक है और ये डब्ल्यू सी यूज़ भी हो चुका है। इस डब्ल्यू सी को यूज़ करने के बाद इसको सिर्फ आपने ऐसे खोल देना है और सारा ब्लैक वाटर आपका निकल जाएगा। तो हाथ भी नहीं लगाना इस पे। टॉयलेट हैज अ क्रशर मोटर दैट क्रशेस द डेब्रिस इनटू स्मॉल पीसेस इनटू ऑलमोस्ट लिक्विड, राइट? ऑलमोस्ट लिक्विड, देयर इज नो सॉलिड थिंग कमिंग आउट फ्रॉम योर ब्लैक टैंक। टैंक में कभी भी कुछ सॉलिड होगा ही नहीं। सो गाइस ये है पूरा ओवरऑल बिल्ड इस गाड़ी का। कैसा लगा आपको प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर ये गाड़ी आपको बनवानी है मुझसे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन procamperindia@gmail.com। और अगर सर आपसे किसी को कांटेक्ट करना है, सलाह लेनी है, एंड बाय द वे सर की जो सलाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों ने जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र में इनसे सलाह ले लेके अपनी गाड़ियाँ बनाई है। प्लीज़ बताइए सर किसी को अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? ईमेल एड्रेस है drradha@1234@gmail.com। गाइज दिस इज, आई कैन सर्टिफाई दिस इज़ वन ऑफ माई फाइनेस्ट बिल्ड्स सो फार। ये आज तक की सबसे अच्छी बिल्ड्स में से एक है। अगर आपको इससे अच्छी और कोई गाड़ी पता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। आई वुड लव टू सी हियर कि दिस ऑल स्ट्रक्चर इज मेड इन एल्यूमिनियम ओनली, एक्सट्रूड, सो वेरी लेस मेटल इज यूज इन दिस। है ही नहीं, मतलब इस पूरी गाड़ी में मेटल है ही नहीं। जो एक्सटर्नल बॉक्स और टेबल छोड़ के कोई मेटल है ही नहीं इसमें, पूरी बॉडी इज मेड बाय एल्यूमिनियम। और इसमें कहीं वेल्ड नहीं है, पूरी कहीं भी वेल्डिंग नहीं है पूरी गाड़ी में, एक्सेप्ट ये जो एसी की माउंटिंग हुई है और जो स्टेपनी की माउंटिंग हुई है और जो गीजर की माउंटिंग। इनके अलावा इस पूरी गाड़ी में पूरे स्ट्रक्चर में जीरो वेल्ड है गाइस। बिफोर वी लीव, अभी मैंने ढांडे सर को रिक्वेस्ट किया है कि सर एक कॉफ़ी तो बनती है जाने से पहले, इस गाड़ी का मुहूर्त उद्घाटन जिसको बोलते हैं वो तो करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज मेरी एक अमेजोन की लिस्ट है, अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं। ये वाला जो स्टोव है ये आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा, और इसी तरीके की बहुत सारे और इक्विपमेंट्स भी आपको उस स्टोर में मिल जाएंगे। अगर आपको अपने लिए डब्ल्यूसी या फ्रिज खरीदना है वो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें हमारे पास सप्लाई में रहती हैं, हम लोग इम्पोर्ट करके रखते हैं।